हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज द वीडियो नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से चलो, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पहली क्लास अटेंड की होगी, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखी थी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमारे दिमाग में बढ़िया से बैठनी चाहिए, है ना। इस कंसेप्ट को हम बार बार काम में लेंगे, राइट। ओके, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। यूज लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अगेन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द सिचुएशन डिस्क्राइब, बट इस बार थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। एक इस तरह का इरेगुलर शेप यहाँ पर बनी हुई है। ये एग्जैक्टली मैं ऐसी तो नहीं बना पाऊंगा, बट आप ऐसा समझिए कि ये इस तरह की एक इरेगुलर शेप है ना। फर्स्ट में इस तरह की इरेगुलर शेप है। इसके अंदर चार पॉइंट दिए हुए हैं, दीज आर ए बी सी और डी। इसके अंदर जो इस तरह के पॉइंट्स बने हुए हैं, हल्के हल्के से आप लोग गौर से देखेंगे तो ये आपके उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। पॉइंट है तो इसका मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है ना। क्रॉस लगा होता तो इनवर्ड, आउटवर्ड मतलब ये जो बोर्ड है इससे बाहर की तरफ आ रहा है, अपने बुक के पेज से बाहर की तरफ आ रहा है। अब क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू ए सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप में चेंज हो रहा है यहाँ। ये इस तरह का एक यहाँ पर सर्किल बना है, ये इस तरह का एक सर्किल बनाएगा, ठीक है। सर्किल बनाएगा तो क्या होगा कि ये जैसे नया पॉइंट, ये ए को हम खींच के यहाँ पे ए डैश लिख देंगे, ये बी को यहाँ बी डैश लिख देंगे, ये सी डैश लिख देंगे और ये डी डैश लिख देंगे। ये नई सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, इन द सेकंड क्वेश्चन, ए सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू ए नैरो स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया, इसमें क्या किया है, अगेन इस तरह के आउटवर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक सर्कुलर कॉइल है जिसको यहाँ, जिसके अंदर नाम लिखा है यहाँ से ए, राइट, यस, ए बी सी एंड डी, यही है ए, सॉरी ए बी सी और डी, ये इस तरह के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, पॉइंट दिए हुए हैं। और इसको क्या किया है, चेंज कर रहे हैं ऐसे सप्रेस करके टू ए नैरो, इस तरह के एक नैरो स्ट्रेट वायर में ऐसे ऐसे जोड़ लगाएंगे तो वो क्या होगा कि नैरो आपका एक संकरा सा नैरो स्ट्रेट वायर का शेप में चेंज हो जाएगा, राइट। तो जो नए जो आएंगे वो यहाँ पर एड्रेस आ जाएंगे, यहाँ सी एड्रेस आ जाएंगे, यहाँ बी एड्रेस आ जाएंगे, यहाँ अगेन वी हैव एट द बी आउटवर्ड। इंड्यूस्ड करंट में क्या चेंज होगा, जैसे ही हम शेप चेंज करेंगे इंड्यूस्ड करंट में क्या चेंज। तो बच्चों यहां से शुरू करते हैं हम। हमें पता है कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आउटकमिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरह बाहर की तरफ आ रही, तो इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, अगेन इट विल बी आउटवर्ड, है ना, फ्लक्स भी बाहर की तरफ आ रहा है। आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब हम इसको इस तरह के एक सर्कुलर शेप में चेंज कर रहे हैं तो एरिया इज इंक्रीजिंग, एंड वी नो दैट द फाइ फ्लक्स इज जस्ट बी डॉट ए, राइट और रॉन्ग, राइट ना। तो एरिया जब इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ व्हेन ए
area is increasing, then we can easily say that flux is also increasing. And when outgoing flux is increasing, the induced current will have a direction such that it will oppose the increasing flux. समझ में आई? ये क्या करेगा? Increasing flux को ऐसी direction में होगा कि increasing flux का अपोज कर सके. तो increasing इधर इस साइड में बाहरी तो भी increase हो रहा है, इसका वो induced current में जो flux आएगा वो उल्टी direction में आएगा. increasing अपोज कर रहा है, इसका मतलब अंदर की साइड में होगा. ये मेरा जो thumb है इस तरह, जो induced current का flux, तो उस induced current की direction क्या होगी? This one will be the direction. It means induced current will be clockwise. कैसा होगा? Clockwise होगा. समझ में आएगा कहानी? ऐसे clockwise. जब clockwise होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो induced current है उसकी direction अगर इस question के हिसाब से लिखे तो that will be A dash, B dash, C dash and D dash. This will be the answer. And this will be the answer of this question. Now we look at the second situation. This is the B part of this question. Here we are given that B is again outward. But in this question, the area is just decreasing. Okay? Because we are changing a circular shape into a narrow straight wire. So area is decreasing. When area is decreasing, it means flux that is coming outward, it is also decreasing. This is also decreasing. Are you getting my point? The outcoming flux is also decreasing. So flux decrease हो रहा है, तो induced current की direction ऐसी होगी कि वो इसको increase करना चाहेगा, उसको तो उल्टा काम करना है, oppose करना है. इसका मतलब ये उसको increase करना है, यानी इसको बाहर की तरफ ही खींचना चाहेगा, बाहर की तरफ ही खींचना चाहेगा, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ. So direction of the induced current will be just the anti-clockwise. Induced current will be anti-clockwise. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है. Anti-clockwise. And the anti-clockwise direction is, again we can say, that is A dash, D dash, C dash, B dash, right? या ऐसे भी लिख सकते हैं D dash, C dash, B dash, A dash, whatever it is. So this will be the answer. मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन करने के बाद लेंज लॉ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे, अगर आपने बढ़िया से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ा. मैं बाकी बुक्स की ज्यादा गारंटी नहीं लेता, मेरे साथ पढ़ाए तो शायद क्लियर हो गया. बट स्टिल यू हैव डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? बहुत बढ़िया है ना. कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया है कि नहीं लिया है? कुछ बच्चों ने लिखा है, जिन बच्चों ने लिखा है वो लिखेंगे, अदरवाइज उसी स्क्रीन शॉट को एग्जाम में भेज दें. काम आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा. बट घर घर की कहानी. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री इज दैट ए लॉन्ग, अब अपने डायरेक्शन से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. ए लॉन्ग सोलेनोइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयर इज ए सोलेनोइड है यहाँ पर. इसका जो दिया हुआ है कि जो पर यूनिट लेंथ
15 टर्म्स पर सेंटीमीटर है इसमें। एरिया इज अगेन गिवन, दैट इज 2.0, एरिया इज 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए लूप। एक लूप यहां पर रखा है इसके अंदर, इसकी एक्सिस के अलावा है ना, एक लूप यहां पर रखा है जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेस इनसाइड द सोलेनोइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, नॉर्मल टू इसकी एक्सिस के नॉर्मल रखा है, इसका मतलब एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और बी दोनों सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर उस एरिया के नॉर्मल होता है तो इसी साइड में हो गया, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। ओके, एरिया वेक्टर इज सेम। इफ द करंट कैरीड बाय द सोलेनोइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 1 सेकेंड, 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 1 सेकेंड, नो 0.1 सेकेंड, बहुत बढ़िया। न्यूमेरिकल करते कैसे, व्हाट आर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल करंट इज चेंजिंग, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, माइनस d∅dt। हमने सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, फाइव निकालेंगे है ना, फाइव निकालेंगे, d∅ निकालेंगे, d∅ जैसे आएगा चेंज इन कितने सेकंड में dt तो दिया हुआ है, यहां पर हमें फाइव निकालना है। तो फाइव क्या होता है, फाइव की वैल्यू रखो, दैट विल बी माइनस d∅, फाइव की जगह हम क्या लिखेंगे, b.a यानी BA cos theta अपॉन dt। अब देखिए माइनस डी, बी का हमें पता नहीं, ए कॉन्स्टेंट है, इट इज गिवन, तो ये वैल्यू हम रख देंगे कोई बात नहीं, और ये आ जाएगा cos ऑफ, डायरेक्शन सेम है दोनों की, इसका मतलब यह हो गया 0 डिग्री अपॉन dt। तो बच्चों यहां से a तो आ गया कॉमन, यहां मिलेगा मुझे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 इज 1, सो आई विल गेट db by dt, db निकाल रखो, db का मतलब हुआ b2 minus b1, राइट, हाँ। तो फॉर्मूला रख देते हैं, b2 minus b1 का मतलब b कितना हो जाएगा, b इज म्यू नॉट एन आई, फॉर्मूला याद है सबको, म्यू नॉट एन आई, db निकालो, दैट विल बी b2 minus b1, आई कैन राइट इट म्यू नॉट, n तो कॉन्स्टेंट है, i कितना हो जाएगा यहां पर, i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा या चेंज हुआ ना i2 minus i1, राइट। अब n की वैल्यू निकालो यहां से, 15 टर्म्स पर सेंटीमीटर है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्म है तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, बोलो कितने हो जाएंगे, 00, अरे 1500 हो जाएंगे ना, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्म है तो 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में 15 है तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1500, 1500, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, दैट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट मीन्स 4π × 10⁻⁷, एन इज 1500, आई टू इज 4 है ना, 2 से 4 हो रहा है इतने सेकेंड, आई टू इज 4 minus 2, सो वी आर गेटिंग 2 फ्रॉम हियर, 3000
12,000 पाई इंटू 10^-7 इतना चेंज हो गया आपके डीबी बी में, यानी डीबी की वैल्यू हम ले आए, डीटी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है। अच्छा तो वैल्यू पुट करते हैं हम सिंपल, बड़े आराम से करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस ए, ए सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करो, तो 2 × 10^2 माइनस 2 होगा, जब मीटर में चेंज करेंगे स्क्वायर में चेंज करेंगे तो -4 m². तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, 2 × 10^-4 मल्टीप्लाइड बाई डीबी, ये रहा 12000 इंटू पाई इज 3.14 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10^-7 अपॉन डीटी, डीटी इज गिवन हियर 0.1 सेकेंड इन अवर क्वेश्चन। तो अब कैलकुलेट करो इसको, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगेगा, इसका मतलब 4 0 हो गए और ये 4 -4 और ये प्लस के 4 0 इसके से कैंसिल आउट हो गए, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 24 को इससे करेंगे तो 24 4 96 9 24 9 33 3 24 3 72 प्लस 3 75.3 6 × 10^-7 एंड वी विल गेट 7.536 × 10^-6 वॉट, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आराम से, बिल्कुल आराम से, है ना, हड़बड़ाहट की नहीं, गलती हुई नहीं। बी निकालिए, डीबी निकालिए, डीबी यहां रखते हैं, हमें डीबी की जरूरत पड़ेगी, ए कॉन्स्टेंट है, डीटी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल तैयार हुआ आपका बोर्ड के हिसाब से, बहुत बढ़िया, साफ कर दे, हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 cm एंड 2 cm स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, हम ले लेते हैं अंदर की तरफ है तो हम इस साइड में घुमा लेंगे नॉर्मल हो जाएगा, है ना, एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी हमें, आउटवर्ड ले चाहे इनवर्ड कोई सी भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पर इनवर्ड, भाई हमें कोई सी भी डायरेक्शन लेनी है, कौन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, बी की क्रॉस लगाएंगे, इसका मतलब बी, बी इज इनवर्ड, है ना, मैंने ले ली, आउटवर्ड भी ले सकते हैं कोई इशू नहीं, और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज गिवन 0.3 टेस्ला इन द क्वेश्चन। एक वायर लूप है 8 cm × 2 cm, अच्छा वायर लूप है 8 × 2 का, ठीक है, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्स अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 cm/s इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि मान लीजिए कि यहां पर ए में लिया इसके लॉन्गर साइड, यानी इसके नॉर्मल में अगर इसको मूव करता हूं तो ये लॉन्गर साइड को अपन यू रख लेंगे ऐसे, है ना, लॉन्गर साइड को ऐसे ऐसे चला देंगे इसको, ये इनवर्ट है इसको ऐसे चला देंगे, इतना नहीं है, ठीक है, यहां पर एक कट है, यहां पर एक कट है, इसका मतलब जो साइड कैलकुलेट होगी वो ये होगी केवल, और ये इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, कैसी होगी, नॉर्मल होगी ना, इसके अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड में हम करेंगे तो नॉर्मल इसका मूवमेंट होगा। पहले में हमने क्या नॉर्मल साइड दी, यानी 8 cm ये 2 cm, राइट,
इसकी स्पीड दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे मूवमेंट। ठीक है, निकालो, हमें क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। क्या निकालना है यहां पर? इंड्यूस्ड, यस, ईएमएफ डेवलप्ड। हाँ, कितना ईएमएफ यहां पर इस कट पे डेवलप होता है? तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, फॉर्मूला आपको पता है, ईएमएफ विल बी बीवीएल। ठीक है, बी इज गिवन 0.3, वेलोसिटी इज गिवन, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर चला जाएगा 1 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर जा रहा है तो 10^-2 मीटर पर सेकंड हो गई, राइट। 10^-2 मीटर पर सेकंड हो गई यहां पर इसकी वेलोसिटी। और बस क्या क्या है? ये दैट इज 8 × 10^-2 मीटर में है, मीटर में चेंज करना है सेंटीमीटर। ओके, सो द आंसर विल बी 2.4 × 10^-4 वोल्ट। सो दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि इसमें ये अगर साइड लेंगे तो इस 2 सेंटीमीटर वाले को जरूर रखें, तो ये ऐसा हो गया। हम सेम सिचुएशन ले लेते हैं, यहां पर इस बार क्या है कि ये ऐसे ले लिया इसको हॉरिजॉन्टली, ये 8 सेंटीमीटर है, ये यहां पर 2 हो गई, इस साइड में मूव कर रहा है, यहां पर कट है, तो जो अपन लेंथ लेंगे क्यों उसमें चेंज आएगा, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। बाकी सब सारे डाटा सेम रहेंगे, वेलोसिटी यही है, वेलोसिटी भी सेम है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ मत कीजिए, इज इक्वल टू बीवीएल, बी 0.3 × 10^-2 एल की जगह हम क्या लेंगे 2 सेंटीमीटर, सो 2 × 10^-2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आ गया × 10^-4 वोल्ट। ठीक है, एक फॉर्मूले से हो गया। जब ये इसने इसका ओरिएंटेशन चेंज किया है, पहले यू था अब यू कर दिया, तो एल कम हो गई, इससे क्या हो गया कि इससे ये रेड्यूस हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। ये 4 टाइम्स कम हो गई है, यहां पर 8 थी, यहां 2 हो गई थी, ये 4 टाइम्स कम हो गई। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, कितना जल्दी ये लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये इसमें से निकलेगा इतने में खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें से ये निकलेगा, ऐसा निकलेगा ना, ऐसे ऐसे, इसमें तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब तक ये चेंज आएगा, बाद में चेंज आएगा। अरे भाई यूनिफॉर्म है तो ये इसके बाहर जब यहां से निकलेगा तो जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे इसके अंदर चेंज आएगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, बीच में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो निकलने में इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर तो करेगा ये साइड में, तो आपको निकालना है टाइम, तो टाइम निकाल लो। पहले केस में, ए केस में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो सेम है, डिस्टेंस आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर की और वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 2 सेकेंड का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 2 सेकेंड में ये खत्म हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हुआ, खत्म हो गया। इसमें 8 सेंटीमीटर की, तो सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको, ये बी कंडीशन में डी जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी अपॉन वेलोसिटी, दैट इज 8 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो इट विल गो 8
सेकेंड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, अद्भुत, ठीक है। ओके, साफ कर दो, नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके फिर अपनी कॉपी में लिखें, कॉपी में लिखने के बाद समझें, बोले और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फाइव? यस, a 1.0 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second. अच्छा, ओमेगा दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज 400 रेडियन पर सेकंड, और इसकी लेंथ जो है दैट इज गिवन 1.0 मीटर। अच्छा, About an axis normal to the rod passing through the one end, the other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. अच्छा, the contact and uniform magnetic field of 0.5 tesla. B is given 0.5 tesla. Parallel to axis exist everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. इस तरह की एक metallic ring है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसके सेंटर से एक रोड है, इस तरह की एक रोड है, ठीक है। इसकी ओमेगा, इसकी लेंथ दी हुई है 1 meter, और ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, और बी दिया हुआ है जो कि इसके पैरेलल, ठीक है। तो थीटा जीरो हो गया, थीटा तो जीरो हो गया इसके एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ईएमएफ विल बी हाफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, है ना, याद रख लो इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रख लो, बुक में नहीं है, बुक में नहीं है इसलिए याद कर लो इसको। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो सर्कुलर फॉर्म में हो, एक पॉइंट फिक्स हो, तो इस फॉर्मूले से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसके सेंटर और इसके बीच में आएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू बी मींस 0.5, ओमेगा मींस 400, एल मींस 1 स्क्वायर। तो भाई कितना हो गया, ये हाफ है ना, और इसका हाफ 200 हो गया, ये तो बन गया 200 का हाफ 100। सो वी विल गेट 100 वोल्ट EMF between center and metallic rod, or I can say metallic ring, center and metallic ring. So the 100 volt EMF will be induced between these two points. तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल है, थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कराने की। मैंने कहा था लेकिन ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है ना, बच्चे इससे ज़्यादा पढ़ते भी नहीं। ओके, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, लिखते रहो।